ततस्तः कृष्ण संदेशैः व्यपेत विरह ज्वरः उद्धवं पूजयाम चक्रुः ज्ञात्वात्मानमधोक्षजम्। इसके बाद श्री उद्धव जी के द्वारा कृष्ण का संदेश सुनकर श्री गोपियाँ विरह के ज्वर से रहित हो गईं, विरह ताप खत्म हो गया। तब उद्धवम पूजयान चक्रु, उद्धव जी का उन्होंने बहुत पूजन किया, पूजन मैंने सम्मान किया। ज्ञात्वा आत्मानम अधोक्षजम, अब उन्हें ज्ञान हो गया कि श्री कृष्ण अधोक्षज हैं। अधोक्षज का अर्थ है ब्रह्म है, अप्राकृत, इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं और वही आत्मा हैं। पहले तो उनको ब्रह्म के रूप में जाना और यह भी जान गए कि कृष्ण हमारे परम प्रिय हैं, हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए व्यपेत विरह ज्वरा। व्यपेत का अर्थ है रहित, शून्य। विरह एक ज्वर है, ज्वर उतर गया। गोपियों को विश्वास हो गया कि प्रियतम हमसे प्रेम करते हैं।
उद्धव जी ने संदेश दिया, ये पत्र में बात लिखी गई थी उससे तो सुखी नहीं हुई, लेकिन जब उद्धव जी ने अपने तरफ से कृष्ण के बोले हुए मौखिक संदेश को कहा, तब गोपियों का विरह दुख दूर हो गया। इसकी व्याख्या की, भगवान के पत्र की और उद्धव जी व्याख्या की है और संदेश बोले, तो गोपियों का विरह ज्वर खत्म हो गया और श्री कृष्ण को मानने लगे कि श्री कृष्ण अधोक्षज हैं, या अधोक्षज कृष्ण को आत्मा नम अपना परम प्रिय मानने लगे। अधोक्षज का अर्थ होता है लीला में अधः अक्षज, अधः का अर्थ है नीचे और अक्षज बैलगाड़ी को अक्षज कहते हैं। जो अक्षज के नीचे एक दिन सोए थे और शक्टासुर को मारे थे, तो उस दिन से नाम इनका अधोक्षज पड़ा था श्री कृष्ण का। तो अधोक्षज को परम प्रिय मानने लगे। अब उनका यह शंका उनकी चली गई कि कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करते। वास कतचिन मासान, कुछ महीने तक उद्धव जी ब्रज में रहे। गोपी नाम बिनुदन छुचा, गोपियों के विरह दुख को कम करते हुए उद्धव जी कई महीना ब्रज में रहे। किस उपाय से गोपियों का विरह दुख कम करते थे? कृष्ण लीला कथाम गायन, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे। उद्धव जी ज्ञान गान कला में भी बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति थे। भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने में सबसे अग्रसर थे और गाते थे। तो कृष्ण लीला कथाम गायन रमया मास गोकुलम, उन्होंने रमा दिया सारे ब्रजवासियों को कृष्ण कथा द्वारा। जावंत्यहानि नंदस्य ब्रजे वाचित स उद्धव, जितने दिन स उद्धव कृष्ण कथा के महान गायक जितने दिन ब्रज में रहे, नंदस्य ब्रज नंद बाबा के ब्रज में रहे, उतना समय ब्रजवासियों के लिए ब्रजोकसाम क्षण प्रायाणी आसन, क्षण भर की तरफ बीत गया। आनंद में समय बीतता है पता नहीं चलता है। कृष्ण कथा के आनंद में ब्रजवासियों का कई दिन कई महीने क्षण की तरह बीत गया। कृष्ण से वार्ताया, कृष्ण के विषय में बात करने से गाने से उद्धव जी बहुत बहुत प्रश्न करते थे ब्रजवासियों से। वे स्वयं कृष्ण की लीला सुना करते थे। ब्रजवासियों में मुख्य श्री गोपियाँ, जैसे कुसुम सरोवर पर गिरिराज जी में, वहाँ उद्धव कुंड है ना, उद्धव जी के स्मृति में कुंड है। कृष्णस्य वार्तया, कृष्ण की वार्ता में बातचीत करने में वे जो प्रश्न पूछते थे, इसका क्या नाम है, जैसे गोवर्धन की दान घाटी के पास आए तो कहते हैं इसका क्या नाम है, तो इसका दान घाटी नाम है, यहाँ कृष्ण ने क्या लीला किया है। तो स्वयं गोपियाँ गोपी वर्णन करते थे कि यहाँ कृष्ण दान लेते थे, इस पर्वत की यहाँ पूजा हुई थी और इसको श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात अपने अंगुली पर धारण किया था। ये विस्तार से कथा होती थी, उद्धव जी के प्रश्न से कथा होती थी। और श्री उद्धव जी कभी कभी स्वयं कथा कहते और सुनते थे। तो इस प्रकार ब्रजवासियों का कृष्ण की वार्ता में क्षण भर के समान कई महीने बीत गए ब्रजवासियों। सरिद बन गिरी द्रोणी विक्षण कुस्मितान्द्रमान, और उद्धव जी परम आनंद में थे, भगवान के धाम में भगवान के लीला स्थान में वे भ्रमण कर रहे थे। सरिद बन गिरी द्रोणी, जमुना जी और मानसी गंगा के तट पर, वन वृंदावन में गिरी गोवर्धन जी में, द्रोणी
गिरिराज जी की घाटियों में, नीचे के प्रदेश को घाटी कहते हैं, गिरिराज जी की घाटियों को देखते थे, कुष्मितान द्रुमान फूले हुए वृक्षों को, कृष्णम संस्मारयन रेमे, कृष्ण का स्मरण कराते हुए वे स्वयं रम रहे थे। ब्रजवासियों को तो रमया मास श्री गोपीजनों को सुखी किए ही, और स्वयं भी कृष्ण का स्मरण कराते हुए रे में, इन्हीं स्थानों में, जमुना जी के तट पर, मानसी गंगा के किनारे, गिरिराज जी में, वृंदावन में, गिरिराज जी की द्रोणियों में, घाटियों में, वे रे में बहुत रम रहे थे। उद्धव जी को ब्रज बहुत अच्छा लग रहा था और कृष्ण का वे स्मरण करा रहे थे, प्रश्न पूछ पूछ करके स्मरण कराते थे। इसका अर्थ ये है, प्रश्न पूछते थे तो ब्रजवासी उत्तर देते थे, गोपियाँ कहती थी यहाँ प्रियतम ने ये लीला किया है, लीला किया। तो इस प्रकार वे भी परम सुखी थे, और ब्रजवासियों का तो कई महीना क्षण भर की तरह बीत गया, इतना आनंद होता था कथा में। दृष्टैव मादि गोपीनां कृष्णावेशात्म विक्लवम् उद्धवः परम प्रीतस्ता नमस्य निदम जगौ। श्री गोपियों का कृष्ण में इस तरह का आवेश और आत्मविक्लवम, हृदय की छटपटाहट, उन्होंने अपने आँख से देखा पहले उद्धव परम प्रीत, परम प्रसन्न हुए। इसके पहले उद्धव जी प्रसन्न थे मथुरा में, लेकिन गोपियों को देख करके, उनके भाव को देख करके परम प्रीत बहुत प्रसन्न हुए, परम प्रसन्न हुए। और ताह नमस्यन, श्री गोपी जनों को नमस्कार करते हुए इदम जगौ, यह बोले, जगौ मैंने बोले, गोपियों को प्रणाम करने लगे। एतः परम तनुभृतो भुवि गोप बद्धो गोविंद एव निखिलात्म निरूढ भावः। इस पूरे ब्रह्मांड में, समस्त तनुधारियों में, शरीरधारियों में, एतः परम, ये गोपियां सबसे श्रेष्ठ हैं। तनुभृत से तात्पर्य, जब तनुभृत ब्रह्मा जी से भी चालू करें, यह कीट पतंग कीले से चालू करके ब्रह्मा जी तक जितने भी शरीरधारी हैं, देवता हैं, देवियां हैं, मनुष्य हैं, सब में गोपियों का शरीर धारण करना सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ गोपियां हैं। उद्धव जी सब जगह घूमे हुए व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह रह करके केवल फोन से और कंप्यूटर से काम किए हैं, सब जगह घूमे हैं। स्वर्ग में पढ़ने ही गए थे तो स्वर्ग के देवताओं को, देवियों को सब समझते हैं कि इनका भगवान में क्या भाव है, पर श्री गोपियों का जो भाव है उसके कारण कह रहे हैं कि एताह, माने ये गोपबद्धवः, एक गोप बधु हैं भूवि, पृथ्वी पर तनुभृत परम। भूवि का अर्थ यहाँ केवल पृथ्वी नहीं है, पूरा भूमंडल और जितने लोक हैं, देवता, नाग, किन्नर, सिद्ध, गंधर्व, साध्य आदि जो भी हैं, और इस पृथ्वी पर जितने शरीरधारी हैं उनमें मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी कई उच्च क्लास के हैं, तो इनमें सबसे श्रेष्ठ हैं गोपी। एताह परम, ये गोपियाँ, ये गोप वधुएँ परम हैं। गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावः, क्यों सबसे श्रेष्ठ हैं, कि गोविंद में, श्री कृष्ण में निखिलात्मनि, जो सबके परमात्मा है, सबके परम प्रिय हैं, उन श्री कृष्ण में रूढ़ भावः, इनका रूढ़ भाव है। रूढ़ भाव का अर्थ है जमा हुआ प्रेम, उसको उखाड़ा नहीं जा सकता। उद्धव जी के ब्रह्मवाद से और भगवान के उपदेश से कि योग करो, ध्यान करो,
श्री गोपियों का भाव गया नहीं, रूढ़ भाव, रूढ़ भाव का अर्थ है जमा हुआ, जिसकी जड़ें बहुत गहरी गई हो, ऐसा भाव, महाभाव, रूढ़ भाव। वांछंत जद भव भियो मुनयो वयम च, संसार में जन्म मरण के भय से, भव भीय, भव से भयभीत होकर के, जिस भाव की, केवल सामान्य भक्ति की कामना करते हैं, मुनय वयम च, मुनि जन भी जिसकी इच्छा करते हैं, जब वांछन्ति, भगवान में चाहते हैं कि भक्ति थोड़ी सी उत्पन्न हो जाए, वो भक्ति भी नहीं मिलती है, फिर महाभाव उत्पन्न होना है तो बहुत दुर्लभ है। तो जिस भक्ति की कामना, जिनके सामान्य भक्ति की कामना हम लोग करते हैं, वयम च और मुनय च, मुनि लोग करते हैं, वो महाभाव, रूढ़ भाव इन गोपियों में है। अतः गोपियां ही समस्त तनुधारियों में श्रेष्ठ। किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस। उद्धव जी को कोई ये कहे कि आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, ब्रह्मा जी का जन्म है या ब्राह्मण वंश में जन्म जिसका होता है तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है, तो उद्धव जी कहते हैं किम ब्रह्म जन्म भी, ब्राह्मण में जन्म लिया व्यक्ति तो उससे क्या लाभ हुआ, यदि अनंत कथा और असस्य, यदि श्री कृष्ण की कथा में, वार्ता में रुचि नहीं हुई तो ब्राह्मण शरीर लेने से क्या फायदा है, ये बेकार है। वही व्यक्ति धन है जो भगवान के वार्ता में, जप में, कीर्तन में आनंद लेता है, उसको रस आता है, अनंत कथा रस। तो अनंत कथा और असस्य, जिसको अनंत सौंदर्यशाली माधुर्यवान श्री कृष्ण की वार्ता में, कथा में रुचि नहीं हुई, रस नहीं मिला, तो ब्राह्मण का जन्म लेना भी उसके लिए बेकार है, अथवा ब्रह्मा का जन्म भी बेकार है यदि उसमें कृष्ण कथा नहीं है। किम ब्रह्म जन्म भी, और ब्रह्म जन्म भी का एक और अर्थ है, ब्रह्म जन्म भी जब व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता है और उसे मंत्र दिया जाता है, यज्ञ करने का अधिकार होता है, तो उसको एक बहुवचन में यह है ब्रह्म जन्म भी। पहला जन्म शौक्र जन्म माना जाता है, शुक्र से, पिता के वीर्य से किसी की उत्पत्ति होती है, इसको शौक्र जन्म कहते हैं। तो यह जन्म तो एक गधा को भी मिलता है, कोई भी पशु पक्षी जो भी है, पहला जन्म तो सबका होता है, लेकिन इसके बाद द्विज बनता है, वह दो बार जन्म होता है। तो द्विज बनने का मतलब है कि उसको दो बार दूसरा जन्म दिया जाता है, जनेऊ दिया जाता है, उपनयन संस्कार किया जाता है, कुछ मंत्र उसे दिए जाते हैं, तब वह पशु योनि से ऊपर उठता है। पहले तो केवल आदमी, और आदमी मतलब केवल बीज से जन्म हो गया बस। तो ये जन्म तो किसी भी क्लास का व्यक्ति, म्लेच्छ का भी जन्म ऐसा होता है, यवन का भी जन्म होता है, शूद्र का भी जन्म होता है, सबका। ब्राह्मण जन्म की कोई विशेषता रही नहीं, यदि पहला ही जन्म होकर रह गया तो द्विज नहीं कहा जाएगा, वो एकज कहा जाएगा, एक जन्म हुआ। और द्विज दूसरा जन्म वेद से होता है, उपनयन संस्कार द्वारा होता है, और तीसरा जन्म उसका जागिक जन्म होता है, यज्ञ करने का वेद के अनुसार उसे अधिकार मिलता है, तीसरा जन्म। तो शौक्र जन्म और सावित्र जन्म इसको कहते हैं, सविता, सावित्र जन्म, जनेऊ देने का, और जागिक जन्म, यज्ञ करने का अधिकार। तो इस प्रकार से मान लीजिए जिसका तीनों जन्म हुआ है, अर्थात वो उच्च वंश में जन्म लिया है और उपनयन संस्कार भी उसका हुआ है, यहाँ तक कि यागिक जन्म भी हो गया है, यज्ञ करने का अधिकार है, बड़े बड़े ऋषियों के साथ रह रहा है, परंतु ऐसा जन्म पा करके भी जिसका कृष्ण कथा में रुचि नहीं, उसको रस नहीं आ रहा है,
तो उसका जन्म धिक्कार है, व्यर्थ है। उद्धव जी कहते हैं इन गोपियों का कोई संस्कार नहीं है, ये गुरुकुल में पढ़ने नहीं गई थी और इन्होंने ब्राह्मण इनिशिएशन नहीं लिया है, है ना? ब्राह्मण इनिशिएशन स्त्रियों का नहीं होता है प्रायः, अब तो चलने लगा लेकिन पहले नहीं होता था। और न जागिक जन, परंतु इनका वह भाव भगवान कृष्ण में है जो हम भगवान के सेवक नित्य साथ में रहते हैं, हम लोग भी ऐसी कोशिश करते हैं, चाहते हैं, और मुनि लोग भी चाहते हैं भगवान में थोड़ी भक्ति हो, तो फिर महाभाव में कहाँ हो सकता है। किम ब्रह्म जन्म भी, यदि ब्रह्मा जी बनना पड़े किसी को और उसे अवसर न मिले कृष्ण कथा बोलने का, जप करने का, कीर्तन करने का, तो ब्रह्मा जी का जन्म भी बेकार है। केवल गढ़ते रहो, कई प्रकार की सृष्टि सब बनाते हैं। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण सान, जड़ चेतन गुण दो समय विश्व किन्ह करतार। करतार श्री ब्रह्मा जी विश्व को गुण दोष में बनाए हैं। तभी कहते हैं कि काशी मग सुर सरिक्रम नासा, क्या सृष्टि किए हैं ब्रह्मा जी, काशी की भी सृष्टि किए हैं तो मगह के भी सृष्टि किए। काशी से मगह बिल्कुल भिन्न प्रदेश है। काशी बहुत महान क्षेत्र है, गंगा जी जहाँ हैं, काशी मग और मगध सुरसरी, ब्रह्मा जी को भी, ब्रह्मा जी गंगा जी को भी बनाए और करमनाशा भी बना दिए, ठीक उल्टा है। काशी मग सुरसरी करमनाशा, मरु मारव राजस्थान की मरुभूमि भी बना दी, केवल बालू बालू, और मालवा प्रदेश इंदौर और उज्जैन का प्रदेश, मरु मारव, मारव माने मालवा, मालवा प्रदेश बना जहाँ अन्न होता है, और मरुभूमि में कुछ नहीं होता है। तो मरुभूमि भी बनाए ब्रह्मा जी और मालवा प्रदेश भी बनाए, और महिदेव, महिदेव मतलब इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण भी वही बनाए हैं ब्रह्मा जी, और गवासा गाय खाने वाला कसाई भी वही बनाए, गौ आशा आशा गवास कहते हैं, मतलब जो गाय को खाए, भोजन करे, गोमांस खाए। तो ब्रह्मा जी तो इस प्रकार की सृष्टि किए हैं, तो वे इस संसार में ब्राह्मण भी बनाए हैं और कसाई भी बनाए हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, तो इसी में जो संत होते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गह पय परिहर बारी विकार। लेकिन जो संत होते हैं हंस की तरह, वे विकार छोड़ करके गुण को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। हंस का क्षीर निर्विवेक बहुत प्रसिद्ध है, अगर पानी में दूध मिला दिया जाता है तो दूध को पी जाता है, पानी छोड़ देता है, अद्भुत कला है। एक पक्षी में यह गुण है। तो इस संसार में जो भगवान के भक्त हैं, सज्जन पुरुष हैं, हंस हैं, ये लोग विधाता के द्वारा रचे हुए अवगुण को छोड़ देते हैं, गुण को ग्रहण करते हैं। हंस किसको कहते हैं, जो खैनी का पत्ता न खाए और तुलसी खाए वो हंस है, जो खैनी खा रहा है वो महाकाक है, कौआ है। संसार में तो तंबाकू भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया है, और तुलसी भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। संत लोग तुलसी की सेवा करते हैं, तुलसी का पत्ता डालते हैं भोजन में, तब भगवान स्वीकार करते हैं। और कुछ लोग पत्ता चबाते हैं तंबाकू, कई तरह से उस पत्ता को चबाते हैं, जर्दा भी वही है, सिगरेट में भी वही भरा हुआ है, बीड़ी में वही भरा हुआ है।